वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पे। ठीक, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स होता क्या है? सो बेसिकली इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज नोन, देन द ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो क्या होता है, अगर हमें किसी भी फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है तो हम उससे रिलेटेड कुछ जाने पहचाने फंक्शंस का ग्राफ निकाल सकते हैं या बना सकते हैं यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ये सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो उसकी मदद से हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स प्लस a का ग्राफ बनाना चाहते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी सिंपली शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय a यूनिट्स अपवर्ड्स। हम उस नोन ग्राफ को a यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और अगर हमें एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना है तो हम ए यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, तो फर्स्ट एग्जांपल है वाई इक्वल्स मॉड एक्स प्लस टू। हमें मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करना है। तो सपोज अगर मुझे वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पता है तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है भाई? ऐसा कुछ वी शेप में वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है। तो अब आप सोचिए, इस ग्राफ में पहले अगर मैं जीरो डालता हूँ तो आंसर जीरो आएगा, वन डालता हूँ तो वन आएगा, टू इनपुट पे टू आउटपुट, थ्री इनपुट पे थ्री आउटपुट। अब अगर मैं मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो इसी सेम अपने इसी फंक्शन में अब जीरो इनपुट पे टू आउटपुट आएगा, वन इनपुट पे थ्री आउटपुट आएगा। बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज, फर्स्ट इफ द ग्राफ वॉज पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, नाउ द न्यू ग्राफ विल पास थ्रू अल्फा कॉमा बीटा प्लस टू। ऑल द आउटपुट्स हैव बीन शिफ्टेड बाय टू यूनिट्स। या हम ये बोल सकते हैं ऑल द आउटपुट्स हैव इंक्रीज्ड बाय टू यूनिट्स। इसीलिए जो अपना रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो कुछ वी शेप का ही होगा, बस वो वी शेप अपवर्ड्स में शिफ्ट हो चुका होगा। तो पहले 0.0 से वी शेप बनता था, अब 0.2 पे वी शेप बनेगा। सिमिलरली वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर को देख लेते हैं। तो हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ वी वांट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसी ग्राफ को हम लोग 4 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देंगे। सो अपना नया ग्राफ क्या होगा? ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला पासिंग थ्रू 0.-4। इनफैक्ट आप इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, इजी रूट्स होंगे 2.0 और -2.0 से ये ग्राफ पास होता होगा। सो आप देख सकते हैं हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज वर्किंग। सिंपली हम लोग पुराने आउटपुट्स में ए ऐड कर देते हैं या ए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, का मतलब है ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल साइन एक्स का देख लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है, ठीक, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें आता है। तो अगर हमें y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आता है तो साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे बनेगा ये सोचते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऑसिलेट करता है माइनस वन से वन के बीच में। अब इस पूरे ग्राफ को अगर मुझे शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कैसे हो जाएगा, तो शिफ्टेड वाला ग्राफ है वो कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो पहले माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, अब वो जीरो से टू के बीच में ऑसिलेट करेगा। सो द कंप्लीट ग्राफ हैज़ बीन इंक्रीमेंटेड बाय वन यूनिट। तो ये अपना 0.1 हो जाएगा जो पहले 0.0 हुआ करता था। यहाँ पे पहले पाई बाय 2.1 था तो अब पाई बाय 2.2 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा पाई कॉमा वन, फिर यहाँ पे 3π/2-1 जो होता था वो 3π/2.0 हो जाएगा। और ऐसे ही सारे पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएंगे वन यूनिट्स अपवर्ड्स। तो रेंज की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं रेंज भी जो पहले माइनस वन से वन थी अब वो रेंज जीरो से टू हो गई है, रेंज जीरो से टू हो गई है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सिमिलरली आप सिग्नम का भी सोच सकते हैं, सिग्नम प्लस थ्री। तो सिग्नम एक्स का ग्राफ हमें पता है, प्लस थ्री का मतलब जो पहले 0.0 हुआ करता था अब वो 0.3 हो जाएगा। फिर वाई इक्वल टू वन लाइन बन जाएगी वाई इक्वल टू फोर लाइन इस तरीके से। और एक y इक्वल टू माइनस वन लाइन हुआ करती थी वो हो जाएगी y इक्वल टू माइनस वन में तीन कदम ऐड करना है तो y इक्वल टू टू हो जाएगी। इस तरीके से अपने ग्राफ शिफ्ट हो जाएंगे सारे की सारे। ठीक, तो इसी में हम लोग और कंटिन्यू करते हैं आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं।
ठीक, तो y इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वन, तो y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ आता है हमें, करेक्ट, y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ हमें पता है, तो हमें ये जो y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ है इसी ग्राफ को 1 यूनिट नीचे खसका देना है। तो कैसे खसकेगा नीचे, ये पहले ये 0.1 से पास होता था, तो नीचे खसकने के बाद ही ओरिजिन से पास होने लग जाएगा, सो द न्यू ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, 0.0 से पास होने वाला। अच्छा, पहले y इक्वल टू 0 को ये ऑलमोस्ट टच कर जाता था, मतलब y इक्वल टू 0 इसकी असिम्प्टोट थी, तो वो जो असिम्प्टोट है वो भी शिफ्ट हो जाएगी, y इक्वल टू जो 0 लाइन है उसके जगह ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 वाला लाइन। तो ये जो असिम्प्टोट है ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, कौन सी असिम्प्टोट हो जाएगी, ये जो नीचे y इक्वल टू -1 लाइन होगी ये अपनी असिम्प्टोट कहलाएगी, y इक्वल्स -1। सो इसी तरीके से फर्दर और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे शिफ्टिंग वाले और अकॉर्डिंगली इनके ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। अच्छा, 1/x का ग्राफ आता है सबको, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, करेक्ट, हाइपरबोला, हाइपरबोला हमने पढ़ा था 11th में। सो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, इसी को 2 यूनिट से शिफ्ट करने का मतलब ये ऊपर खसक जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रॉल यू कैन ट्राई सॉरी यू कैन ट्राई ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेंगे, आप ट्राई कीजिए। और हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, हम लोग एफ एक्स की जगह एफ एक्स प्लस ए लिख रहे थे, अब हम लोग एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो पहले जो थे वो आउटपुट्स में ए ऐड या आउटपुट्स में ए सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, बट अब इनपुट्स में ए ऐड या इनपुट्स में से ए सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसके तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर पाएंगे। सो इसमें क्या करते हैं, इसमें वी सिंपली शिफ्ट द ग्राफ लेफ्ट वर्ड्स एंड राइट वर्ड्स, पहले अपवर्ड डाउनवर्ड था, अब लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड होगा। बस इसमें थोड़ा सा उल्टा भी है कि इसमें आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से समझिए, जैसे एक्स माइनस ए है, सो बेसिकली हम लोग ए यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, वहां पे पॉजिटिव पे अपवर्ड था, नेगेटिव पे डाउनवर्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव पे लेफ्ट वर्ड्स है, नेगेटिव पे राइट वर्ड्स हो जाएगा, नेगेटिव पे राइट वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों समझते हैं, आइए। ठीक, आप लोग सिंपल वैल्यूज से समझना है इसको, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, वाई इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आता है हमें, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक वी शेप ओरिजिन से पास होने वाला। अब सपोज मुझे एक्स की जगह एक्स माइनस टू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्राफ को राइट वर्ड्स शिफ्ट कर दूंगा, इस ग्राफ को मैं 2 कदम राइट वर्ड्स शिफ्ट कर दूंगा। वॉट डज इट मीन कि जो काम पहले 0.0 हुआ करता था अब वो काम 2.0 पे होगा। देखो इसमें इसमें एक्स को 0 डालने पे वाई 0 आएगा, अब वही वाई 0 लाने के लिए इसमें एक्स को 2 डालना पड़ेगा। इसमें इसमें जब हम 1 डालते थे तब आंसर 1 आता था, पर अब इसमें अब वही 1 निकालने के लिए हमें 3 डालना पड़ेगा। सो सारे पॉइंट्स बेसिकली राइट वर्ड्स शिफ्ट हो गए। पहले ग्राफ अगर अल्फा कॉमा बीटा से पास होता था तो वही पॉइंट अब आपको मिलेगा, बट अल्फा प्लस 2.0 बीटा पे, तो पॉइंट शिफ्ट हो गया। देखिए अगर आप इसमें अल्फा डालते हैं और बीटा डालते हैं, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं वाई जो अपना बीटा है वो मॉड अल्फा है, तो इस वाले नए वाले में वही सेम चीज़ जनरेट करने के लिए आपको वाई अगर आप बीटा रख रहे हो तो आपको एक्स अल्फा प्लस 2 रखना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो पाए। तो बेसिकली जो अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है अब वो अल्फा प्लस 2.0 बीटा बन गया, मतलब सारे पॉइंट्स राइट वर्ड शिफ्ट हो चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट, सो द रिजल्ट इज बेसिकली कि इफ वी वॉन्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स से ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस ए, अगर हम एक्स की जगह एक्स प्लस ए चाहते हैं तो हम ए यूनिट ही शिफ्ट करेंगे, बट आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है। तो एक्स की जगह एक्स प्लस ए का मतलब है लेफ्ट वर्ड्स, एक्स की जगह एक्स माइनस ए का मतलब है राइट वर्ड्स। ठीक, थोड़ा रिवर्स सा चीज़ है। तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए, मैं इसमें से एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, लेट्स से इसमें थोड़ा ना सारे क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, मैं एक ये डिफिकल्ट वाला थोड़ा सा ले लेता हूँ, इसमें कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। हम लोग 6 प्रॉब्लम लेते हैं, बाकी सारे होमवर्क रहेंगे आपके लिए। तो इसमें डबल है, इसमें डबल का मतलब पहला ट्रांसफॉर्मेशन भी है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग y इक्वल टू मॉड एक्स से ही स्टार्ट करेंगे, हम लोग को y इक्वल टू मॉड एक्स की मदद से पहले बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक, मॉड ऑफ x प्लस 1 बनाते हैं, तो हमको पहले इससे ये जनरेट करना है और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इसकी मदद से हम लोग जनरेट कर देंगे दिस माइनस वन। तो हम लोग दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ठीक। फाइनली हमको यहाँ तक पहुँचना है तो हम दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि अगर y इक्वल टू मॉड x से y इक्वल टू मॉड x प्लस वन चाहिए तो क्या होता है, x की जगह x प्लस वन का मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देना। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देंगे। दिस ग्राफ विल बी माइनस वन कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा वन, और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा माइनस टू कॉमा वन। फिर ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। अब यहाँ से मुझे अगर यहाँ आना है, सो ये y इक्वल टू, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तो ये लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन। मतलब मुझे पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, दिस ग्राफ विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। आई रिपीट, दिस ग्राफ विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स बाय वन यूनिट्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी वी शेप को वन यूनिट नीचे खसका दूंगा और मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखता होगा। ये माइनस वन कॉमा माइनस वन, ये जीरो कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा मेरा माइनस टू कॉमा जीरो। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा ऐसा कुछ। सिमिलरली आप ये सारे प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए, ठीक। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए होमवर्क की तरह दिए हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। और आपका आंसर सही है या नहीं इसको पहचानने का बेस्ट तरीका है, आप कपल ऑफ इनपुट्स डाल के आउटपुट्स चेक करो सही आ रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर मुझे मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन चेक करना है कि मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर वाकई में करेक्ट है कि नहीं, तो मैं दो तीन इनपुट डाल के चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें एक बार डाल दूंगा, लेट से मैं थ्री डाल देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू थ्री डालने पे मुझे आंसर मिलना चाहिए थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस वन थ्री मिलना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे ग्राफ मेरा क्या थ्री कॉमा थ्री से पास होता हुआ नजर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ ओरिजिन से पास हो रहा है ग्राफ, तो इसमें एक्स को जीरो डालने पे वाई भी जीरो आना चाहिए। तो एक्स को जीरो डाल के वाई जीरो आ रहा है कि नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो जनरल बिहेवियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे आएगा। सो आउटपुट्स जो हैं वो नेगेटिव कर रहे हैं, और फिर एक बार उसी में हम आउटपुट्स की जगह इनपुट्स को नेगेटिव कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वी सिंपली रोटेट द ग्राफ बाय 180 डिग्री अबाउट x एक्सिस और इसमें y एक्सिस। तो ये इसका लॉजिक क्या है समझो, पहले अगर ग्राफ 2 कॉमा 3 से पास होता था तो वही x की वैल्यू 2 डालने पे आउटपुट माइनस 3 मिलेगा। मतलब पहले ग्राफ अल्फा कॉमा बीटा से पास होते थे तो अब अल्फा कॉमा माइनस बीटा से पास होंगे, ठीक। सो वी सिंपली से कि ये मिरर इमेज लेने के बराबर है, आप मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस में और इसके लिए वाई एक्सिस में। अगेन हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, ओके। सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग बाय एन एग्जांपल। तो इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं, लेट अस से वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप इस टाइप से y equals mod x। What does it imply? It implies कि ये ग्राफ 3.3 से पास होगा, 4.4 से पास होगा, 5.5 से पास होगा। Now think, अगर मुझे चाहिए y equal to minus mod x का ग्राफ, तो मैं क्या बोलूँगा, उसी V shape को x axis में rotate कर दो 180 degree से, या simply take the mirror image in the x axis। तो उससे क्या होगा, earlier we were getting the points 2.2, 3.3, 4.4, all that points will be mirror imaged। अब 2.-2, 3.-3, 4.-4, इन सब से अपना जो है ग्राफ पास होने लग जाएगा। सो मिरर इमेज लेने का लॉजिक ये है कि पहले अगर अल्फा कॉमा बीटा से पास होता था ग्राफ तो अब अल्फा कॉमा माइनस बीटा से पास होगा, करेक्ट। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, गैस करो कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ऐसा कुछ, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स, करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्लैरिटी आएगी आपको दोनों में, ठीक। व्हाट डू वी मीन बाय एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स, दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है समझो, ये आउटपुट नेगेटिव हो गया है और इसमें इनपुट नेगेटिव हो गया है। तो एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स और एक्स की जगह माइनस एक्स दो अलग बातें होती हैं। सो लेट अस सी इन दिस एग्जाम्पल, कौन सा, एक तो ये और एक ये एग्जाम्पल। तो y इक्वल टू ई पावर x से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद y इक्वल टू ई पावर x। कैसा ग्राफ होता है इसका, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, करेक्ट, 0.1 से पास होने वाला इंक्रीजिंग। तो y इक्वल्स माइनस ई पावर x का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, एक डिक्रीजिंग फंक्शन 0.1 से, और बेसिकली हमने इमेज ले लिया है, ठीक। ये हमने फंक्शन चैप्टर में
स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अभी बात की थी, स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं तो आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा सॉरी ये गलत बनाया मैंने, ये ऐसा नहीं, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में हमने मिरर इमेज ले लिया। वी कैन ऑल्सो से दैट आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इसमें आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव। एंड वॉट अबाउट ई पावर माइनस एक्स, ये हमने पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में स्टैंडर्ड, ई पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग होता है तो इस टाइप से कुछ रहेगा। ठीक, स्टिल इट विल पास थ्रू 0.1। आप ये वैल्यूज डाल के देखो, इनपुट 0 पे आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं, इट विल गिव यू अ फील ऑफ द थिंग्स। सो दीज आर फॉलोइंग ग्राफ्स, स्टार्टिंग विद दिस ग्राफ वी हैव टेकन मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, वी हैव टेकन मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। दिस इज वॉट वी मीन बाय एफ एक्स की जगह अगर ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, सो बेसिकली दिस इज वाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और ये क्या था y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा था हमने, तो यहाँ पे x इस x की जगह हमने यहाँ पे माइनस एक्स रखा था, और यहाँ पे जो पूरा आउटपुट है उसमें हमने नेगेटिव साइन रखा था। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच में। इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये अपना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में और एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो लेट्स से हम लोग कंसिडर करते हैं वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स। अच्छा, इसका डोमेन बता सकते हैं क्या? डोमेन होगा वाई इक्वल टू रूट एक्स का डोमेन होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका डोमेन है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, सो हम लोग को एक्स की जगह माइनस एक्स चाहिए, करेक्ट, वी वॉन्ट एक्स की जगह माइनस एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, सो द रिजल्टिंग ग्राफ विल बी दिस थिंग। ये किस चीज का ग्राफ बनाए, y equal to root of minus x. We can also see ये ग्राफ minus 1.1 से पास होगा, ये ग्राफ minus 4.2 से पास होगा। मैं वैल्यूज इसलिए पुट करवा के बता रहा हूँ आपको ताकि यू गेट अ फील ऑफ द थिंग्स, मिरर इमेज आके लिया किस में जाता है। आप डाल के देखो इसमें x की वैल्यू minus 1, minus 4, minus 9, you will get the answers 1, 2 and 3. So this is how things work in the transformation of graphs. एक नोन फंक्शन के ग्राफ से एक रिलेटेड सेम टाइप का रिलेटेड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाए। ठीक, सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, प्लीज टेक दीज एग्जांपल्स सीरियसली और आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए। अच्छा, सिग्नम माइनस एक्स और माइनस सिग्नम एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे, यू विल फाइंड आउट दैट बोथ द ग्राफ्स आर टर्निंग आउट टू बी सेम, दिस मींस दैट ठीक, सो उससे रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एक तो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फोर्थ का आंसर है y इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, तो एल एन एक्स के ग्राफ से माइनस एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम है एल एन ऑफ माइनस एक्स, तो एल एन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, जस्ट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द आंसर्स ताकि आप अपने वेरीफाई कर पाए आंसर्स, तो आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको वेरीफाई जरूर कीजिए। तो ये फिफ्थ का आंसर होगा। सिक्स प्रॉब्लम माइनस एक्स क्यूब ईजी आप बना सकते हैं, सेवन्थ भी आप लोग फ्लिप कर सकते हैं, एट्थ भी आप लोग फ्लिप कर सकते हैं। ठीक, नाइन्थ वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक, नाइन्थ वाला मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सो नाइन्थ इज एक्चुअली अगेन दो कॉम्बिनेशन है, दो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इकट्ठा लगाने हैं, सो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। प्लीज टेल मी द स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ नाइन्थ, नाइन्थ प्रॉब्लम में हाउ वी विल स्टार्ट, किस ग्राफ से स्टार्ट करें हम लोग, y इक्वल टू एल एन एक्स से। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल टू एल एन एक्स का। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं सबसे पहले करूंगा x की जगह x प्लस टू। प्लीज ऑर्डर ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ x की जगह x प्लस टू। तो रिजल्टिंग ग्राफ क्या आएगा x की जगह x प्लस टू लगाने से, x की जगह x प्लस टू करने से आएगा कुछ ऐसा ग्राफ। ठीक, ये x की जगह x प्लस टू किया मैंने, ये लाइन है x इक्वल टू माइनस टू, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टू का। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं लगाऊंगा x की जगह माइनस एक्स, आई विल रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। सो अगर x की जगह माइनस एक्स करता हूँ तो मुझे ग्राफ मिलेगा इस चीज का, x की जगह माइनस एक्स का मतलब टेकिंग मिरर इमेज इन, बताइए x एक्सिस की y एक्सिस, टेकिंग मिरर इमेज इन y एक्सिस। ठीक, तो अपने को ग्राफ कैसा मिल जाएगा, अपने को ग्राफ ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो जो पहले असिम्प्टोट लाइन थी, डॉटेड लाइन वर्टिकल x इक्वल टू माइनस टू थी, अब वो x इक्वल टू टू हो जाएगी। और फिर फाइनली इसमें हम लोग लगाएंगे एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स का मतलब इसी ग्राफ को हम लोग अब मिरर इमेज ले लेंगे
एक्स एक्सिस में, इसी ग्राफ का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज का मतलब हो जाएगा फाइनल आंसर जो देखेगा आपको वो कुछ इस टाइप का देखेगा. तो फाइनल आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, ये अपना x की जगह माइनस एफ एक्स. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिंपली टेकन मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस. मैं फिर से रिपीट करता हूँ हमने क्या किया है. ठीक, इन द नाइन्थ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन इज x की जगह x प्लस टू, ln x के ग्राफ से स्टार्ट किया है, x की जगह x प्लस टू. क्या हुआ उससे, ग्राफ 2 यूनिट शिफ्ट हो गया. पहले 1,0 से पास होता था, अब -1,0 से पास होगा. देन इसी ग्राफ को हमने मिरर इमेज ले लिया, इसी ग्राफ को हमने एक्स एक्सिस में भी मिरर इमेज लिया है, वाई एक्सिस में भी मिरर इमेज लिया है. ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले कोई भी कर सकते हो. पहले मैं वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले रहा हूँ तो मेरा ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा बन गया. ठीक, वो मेरा ग्राफ जो था वो डॉटेड लाइन एक्स इक्वल टू -2 की जगह एक्स इक्वल टू 2 हो गई और मेरा ग्राफ ऐसा आ गया, स्टिल पासिंग थ्रू 1, नाउ 1,0. ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू ln ऑफ -x+2. ये ग्राफ है ln ऑफ -x मतलब 2 -x का. बस ये आगे जो माइनस है अब ये लगाना है, तो इस माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स कर देंगे. एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स करने का मतलब ये जो ग्राफ है, जो ये वाला ग्राफ है, इसको एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे. तो रिजल्टिंग फाइनल आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस पासिंग थ्रू 1,0. प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज कौन सा लेना है, किस में लेना है और ऑर्डर क्या है. आपने किसी और तरीके से भी सॉल्व किया होगा, अगर आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है इसका मतलब आपका सोल्यूशन करेक्ट है, बस आपने ऑर्डर अलग लिया होगा. और अगर आपका फाइनल ग्राफ ये नहीं आ रहा, देन यू आर मेकिंग सम टेक्निकल एरर वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो इसी तरीके से आप लोग 10th वाला और 11th वाला प्रॉब्लम भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, 10th वाले और 11th वाले प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्मेशन के देखो आप कॉम्बिनेशन मिक्स कर दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे कॉम्बिनेशन आपको अब आने चाहिए यूज करते हुए. सो 10th वाले में आई वुड सजेस्ट यू पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रीड इट समथिंग लाइक दिस, ये लिखा है ऐसा कुछ. ठीक, इसको सॉल्व करना चालू करो आप. तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूँ. ठीक है, आप लोग स्टार्ट करना वाई इक्वल टू मॉड एक्स से, फिर आप लोग बनाना एक्स की जगह एक्स माइनस वन, फिर आप लोग क्या करना इसी को क्या कहते हैं, इसी ग्राफ को आप लोग एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना. ठीक, इस ग्राफ को एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स से वाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स कर देना. और लास्टली वाई इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम लोग कर लेंगे वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ को राइट में शिफ्ट करेंगे एक कदम, फ्लिप करेंगे एक्स एक्सिस में और फिर दो कदम से उठा देंगे. तो फाइनल आंसर पता है कैसा आएगा, ये हमने शिफ्ट किया एक कदम राइट में, फिर हमने इसको फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया मतलब ये ऐसा आ गया, और फाइनली इसको दो कदम ऊपर उठा दिया, दो कदम ऊपर उठा दिया मतलब जो फुल एंड फाइनल आंसर रहेगा वो आपका कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप का दिखेगा. तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपका फाइनल आंसर आएगा. ठीक है, तो ये कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग 10th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. और सिमिलरली 11th प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं. 11th प्रॉब्लम में आप लोग स्टार्ट कीजिए वाई इक्वल टू ई पावर एक्स से. तो 11th प्रॉब्लम में ले लेता हूँ, अपने को बनाना है ग्राफ ई पावर एक्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक, ई पावर एक्स से स्टार्ट करके हम लोग सबसे पहले करेंगे 1 - x की जगह हम पहले 1 + x बना लेते हैं. सो हम लोग एक्स की जगह एक्स प्लस वन दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा भाई बताओ बेटा, ग्राफ इसका शिफ्ट होगा 1 यूनिट लेफ्ट वर्ड. ठीक है, 1 यूनिट लेफ्ट वर्ड, 1 यूनिट लेफ्ट वर्ड के बाद एक्स की जगह माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स का मतलब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा कुछ, ये हो गया y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस वन. फिर हम इसको लेंगे मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, हम लोग y एक्सिस में ले चुके हैं, अब हम लोग लेंगे मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस वन. और लास्ट हमें क्या करना है, लास्ट हम लोग 3 ऐड कर लेंगे, 3 ऐड करने का मतलब इसी ग्राफ को 3 कदम ऊपर उठा देंगे. तो फाइनल आंसर आपका जो रहेगा वो कुछ ऐसे नजर आएगा, और ये अपना शेप बस बता रहा हूँ मैं एक रफली, तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं. So this is how things work. So continuing the discussion on transformation of graphs, हम लोग बात करते हैं fourth transformation की. So fourth transformation क्या होता है,
जब हमें y इक्वल टू एफ एक्स की मदद से y इक्वल्स मॉड एफ एक्स चाहिए, y इक्वल्स मॉड एफ एक्स चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबव द एक्स एक्सिस इज अनचेंज्ड, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है जितना पोर्शन उसको हम बिल्कुल टच नहीं करते, और जो बिलो एक्स एक्सिस है उसकी हम लोग मिरर इमेज ले लेते हैं एक्स एक्सिस में। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक, उसका मॉड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ अपना स्टैंडर्ड, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर इसकी मदद से मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस फोर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली शिफ्ट इट डाउनवर्ड्स बाय फोर यूनिट्स, मैं इसे फोर यूनिट्स नीचे खसका दूंगा। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक, ये अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन था। तो अब हमें इस ग्राफ में एफ एक्स की जगह मॉड एफ एक्स चाहिए, मतलब ये लेट से अगर ये पूरा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये लिखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, आई वॉन्ट वाई इक्वल टू एफ एक्स की जगह वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ एफ एक्स का जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम लोग बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये एज इट इज़ रहा, इसका भी पता नहीं, नीचे वाला पोर्शन जो है उस पर भी हम बात करते हैं, फिलहाल मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ। तो ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल अनचेंज रहेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है जो मैंने डॉटेड में बना रखा है ये फ्लिप हो जाएगा, या इसकी मिरर इमेज ले ली जाएगी एक्स एक्सिस में। तो पहले अपने को 0, -4 मिलता था, तो अब हमें मिलेगा 0, 4। अब समझिए इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक देखो सिंपल सा है, अगर किसी भी इनपुट पे जो आउटपुट आता है अगर वो आउटपुट पॉजिटिव आता है, लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ 3, तो पहले ग्राफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 -4 होता है 5, तो पहले ग्राफ 3, 5 से पास होता था। तो अगर ग्राफ पहले 3, 5 से पास होता था तो यहाँ पे मॉड लेने पे भी उसके मॉड लेने पे भी पॉजिटिव नंबर्स का मॉड वही होता है, तो ग्राफ अभी भी 3, 5 से पास होगा। बट वेयर एस किसी इनपुट पे अगर पहले नेगेटिव आउटपुट आता था, जैसे 0 इनपुट पे आउटपुट आता है -4, तो अब वो -4 का मॉड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 0, -4 गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड टू 0, 4। सिमिलरली कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगर एक सेकेंड थर्ड क्वार्टर में एक कर पॉइंट है, ये एक नेगेटिव आउटपुट देता था, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा यहाँ कहीं पे पॉजिटिव आउटपुट। सो ऑल द नेगेटिव आउटपुट्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस एंड इट विल बिकम पॉजिटिव आउटपुट। सो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबव द एक्स एक्सिस उसको बिल्कुल नहीं चेंज करना है, और जो नीचे है उसको हम मिरर इमेज ले लेंगे। आइए इसको हम लोग एक दो और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो अगर लेट से मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड साइन x का, ठीक, हम लोग अभी फोकस करते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड साइन x पे, ठीक, हम लोग y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन x का ग्राफ आता है सबको, कैसे बनता है साइन x का ग्राफ, ऐसे कुछ ऑसिलेटिंग सी वेव्स रहेंगी, पीरियोडिक रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन 2π पे, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आप हमेशा ना उसके रूट्स मार्क कर लिया करो, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया करो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। फिर इन पोर्शन से आपको क्या आइडिया लग जाएगा, जो ग्राफ ऊपर है उसको तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा अनचेंज्ड, और जो ग्राफ नीचे है ये वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन, ये मिरर इमेज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अपना ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, इसको हम लोग मिटा के ये नीचे वाला पोर्शन रब हो जाएगा एंड इट विल सिंपली बिकम अबव द एक्स एक्सिस। तो ये पोर्शन मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये डॉटेड हो जाएगा और ये पोर्शन जो है ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आप क्या रिपोर्ट करोगे पता है, कुछ इस तरीके से वेव्स होंगी, और ये सारी जो वेव्स हैं ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल रही है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो गायब हो जाएगा। इन शॉर्ट देर विल बी नो नेगेटिव आउटपुट्स, कोई भी आउटपुट अपने को एक्स एक्सिस के नीचे नहीं मिलेगा। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स। सिमिलरली आप लॉग भी सोच सकते हो, पहले लॉग का पूरा ग्राफ बना लो और उसका वही पोर्शन आप रिटेन करो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, बाकी मिरर इमेज ले लो, तो ऊपर वाला एज इट इज और बाकी जो नीचे था उसकी मिरर इमेज। तो ये हो जाएगा अपना मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस टू का ग्राफ, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो क्यों ना आप पुराने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस और नए वाले ट्रांसफॉर्मेशंस को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो अब अपने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ लिए उनके मिक्स क्वेश्चंस आप ट्राई करो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक इंटरेस्टिंग है, आपको कर्व स्केचिंग में थोड़ा सा हेल्प करेगा,
तो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ आप ट्राई करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। मार्क क्वेश्चन भी देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पर पहले हम लोग थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन। सो पहले हम लोग प्लॉट करते हैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन का। फिर बाद में हम लोग एफ एक्स की जगह मॉड एफ एक्स ले लेंगे। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा इसका? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। फिर डी वाई बाई डी एक्स आप सोचिए कब होता है पॉजिटिव और कब होता है नेगेटिव, इसमें कर्व स्केचिंग में मदद मिलती है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है जीरो कब हो रहा है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है एट एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन। तो वन और माइनस वन पे मैक्सिमा मिनिमा के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वन इनपुट पे देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। सो वन डालने पे, एक्स की वैल्यू वन डालने पे वाई की वैल्यू आ रही है माइनस वन। सो ग्राफ वन कॉमा माइनस वन से पास होगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन डालने पे जो आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है थ्री। तो ग्राफ माइनस वन कॉमा थ्री से भी पास होगा। फिर हमें ये भी समझना है कि अगर एक्स वन से बड़ा है, अगर एक्स वन से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स अगर वन से बड़ा है तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो और ये फंक्शन इंक्रीज कर गया। हल्का फुल्का कर्व स्केचिंग सीख रहे हैं हम लोग, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमने रेंज निकालते टाइम बात की थी जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, फाइंडिंग रेंज यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। अब जब एक्स माइनस वन से वन के बीच में होगा, जब एक्स माइनस वन से वन के बीच में होगा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो माइनस वन से वन में फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो ऐसा कुछ मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड फाइनली जब अपना एक्स जो है अगर माइनस वन से छोटा होगा, जब एक्स माइनस वन से छोटा होगा तो ये दोनों ही ब्रैकेट्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव कहलाएगा। तो पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। मैंने रफ सा ग्राफ बनाया है। तो इस रफ से ग्राफ में अब अगर आपको इसका मॉड लेना है तो आप लोग क्या लिखोगे कि ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब मॉड लेना है तो इसको हम लोग फ्लिप कर देंगे, मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में। तो एक रफ नेचर बता रहा हूँ, ग्राफ ऐसा होगा, ये आएगा, फिर ये कुछ ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, या ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक। ये पॉइंट रहा होगा माइनस वन कॉमा थ्री और जो पहले मिनिमा था वो ऐसे ऊपर आके मैक्सिमा हो गया होगा वन कॉमा वन। ये रूट शायद हम नहीं निकाल पाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। द पॉइंट इज आपको रफ नेचर ग्राफ का बनाते आना चाहिए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थर्ड वाले का अपन ने सोल्यूशन डिस्कस कर दिया। ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये y इक्वल टू एल एच एस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर हम समझते हैं कि इक्वल टू k का क्या लॉजिक है, कि डिस्टिंक्ट सोल्यूशन चार तीन दो नौ सोल्यूशन पे k कैसे सेट करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ द गिवन एल एच एस। जो एल एच एस है उसको हम लोग फंक्शन मान के प्लॉट करते हैं, ठीक। तो एल एच एस को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं एल एच एस y इक्वल टू एल एच एस मतलब मॉड ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस टू और फिर से माइनस टू। तो मॉड ऑफ x माइनस टू और फिर से माइनस टू, ये अपना एल एच एस है, ठीक। और आर एच एस क्या है? आर एच एस सिंपली y इक्वल टू k, y बराबर कॉन्स्टेंट k अपना एक आर एच एस है। तो k अपने को कॉन्स्टेंट की वैल्यू पे कमेंट करना है। तो अपने पुराने ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू मॉड x से, फिर हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू मॉड x पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे x की जगह x माइनस टू। x की जगह x माइनस टू करने का मतलब अपना जो ग्राफ है वो दो यूनिट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड x माइनस टू का। अब अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो मुझे चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स माइनस टू। y इक्वल टू एफ एक्स माइनस टू का मतलब अब ग्राफ को दो कदम नीचे शिफ्ट कर देना है। तो ये अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ तक के, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक के? ये पॉइंट्स के थोड़े कोऑर्डिनेट लिख लो, 0, 0, ये रहा होगा 2, -2, ये रहा होगा 4, 0, ठीक। ये अपने पॉइंट्स। अब फाइनली हमको y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स चाहिए। तो अगर मुझे इस पे मॉड लेना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे ट्राइंगल बना है, ये वाला जो नीचे ट्राइंगल बना है, इसको फ्लिप कर दूंगा। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा समथिंग लाइक दिस। यहाँ से नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। नाउ इसमें काम के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं अपने, एक तो एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक ये डॉटेड लाइन बना देता हूँ मैं, काफ़ी काम की लग रही है मुझे ये, इसका नाम होगा वाई इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2। सो नाउ द पॉइंट इज, या नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, या ऐसा कह सकते हैं हम, ये वाई इक्वल टू एल एच एस का ग्राफ है। अब वाई इक्वल टू आर एच एस इसी के ऊपर अगर मुझे प्लॉट करना है, लेट से वाई इक्वल टू आर एच एस मुझे इसी के ऊपर प्लॉट करना है, तो के तो एक कॉन्स्टेंट है, तो अब के कॉन्स्टेंट सोचो, अगर के की वैल्यू -3 होगी तो अपनी लाइन नीचे हो जाएगी वाई इक्वल टू -3, तो मुझे दोनों ग्राफ का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, मैं काम करता हूँ, लेट अस चेंज द कलर। सो लेट अस चेंज द कलर। सो यहाँ पे लेट से ये हो गया अपना वाई इक्वल टू -3। क्या ये ब्लैक वाले को या अपने एल एच एस के ग्राफ को कहीं काट रहा है क्या? नो सोल्यूशन, कहीं नहीं कट कर रहा। अगर वाई इक्वल टू -2 है तो भी कहीं नहीं कट कर रहा, वाई इक्वल टू -1 है। तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स सोचनी है, इमेजिन करनी है। नाउ थिंक वाई इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वाई इक्वल टू 1 पे क्या होगा, सोचो वाई इक्वल टू 2 पे क्या होगा, वाई इक्वल टू 3 पे क्या होगा। ये सारे केसेस जो हैं वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अलग अलग वैल्यूज में, के की अलग अलग वैल्यूज पे बोल रहा हूँ, आप सोचो कितनी जगह काट रहा है। जैसे वाई इक्वल टू 1 वाला केस लो, वाई इक्वल टू 1 वाले केस पे एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, टोटल 4 इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं। सो यू हैव टू थिंक कि यार वाई इक्वल टू के की अलग अलग वैल्यू पे कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। जैसे वाई इक्वल टू 2 पे एक जगह यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, कि यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे सारे केस सोचते हो, ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार आप फिर से खुद से शुरू से सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या अपने सोल्यूशंस मिल पाएंगे। ठीक, तो हम लोग सिस्टमेटिकली चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं के की वैल्यू, लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए बी सी नहीं देते हो, हम लोग केसेस लेते हैं। तो के की वैल्यू अगर मैं -∞ से 0 तक कुछ भी लेता तो मुझे कैसी लाइंस मिलती? ये सब लाइंस नीचे मिलती, ये ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रही थी। तो हम लोग बोलेंगे इस केस में हमें मिलेगा नो सोल्यूशन, नो कॉमन इंटरसेक्शन। जब भी वो कट करेंगे दोनों ग्राफ तब हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, करेक्ट? सो नो सोल्यूशन। फिर के इक्वल टू 0 पे क्या रहा होगा? के इक्वल टू 0 पे अपनी एक्स एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस कट करेगी एक और एक, दो पॉइंट्स पे, ठीक। सो विल गेट टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस, हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे चर्चा कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, अगर मैं के वैल्यू 0 से हल्की सी भी बड़े रख लेता हूँ, जरा से भी ऊपर, लेट से ये वाई इक्वल टू 0.1, तो मुझे 1, 2, 3, 4 सोल्यूशंस मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मैं के को शायद 0.5, 0.9, 1, 1.4, 1.5, ऐसा कैसे भी मैं वेरी कराऊँ, तो ये हमेशा मेरे को 4-4 पॉइंट देगा। कब तक? 4 पॉइंट कब तक देगा मुझे? 4 पॉइंट मुझे तब तक देगा जब तक मैं के की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में लेके जाऊँगा। ओपन इंटरवल्स विल गेट 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। और के इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा होगा, सोचो, जब के इक्वल टू 2 हो रहा होगा तो एक्चुअली वो दो सोल्यूशंस सेपरेट नहीं, सेम हो जा रहे होंगे। तो ये एक जगह काटा, ये दो जगह काटा, ये तीन जगह काटा, सो हमको 3 सोल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक, हमें के इक्वल टू 2 पे मिल रहे हैं 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस। और उसके ऊपर ज़रा सा अगर अपन ने ग्राफ कर दिया, अगर के अपन ने 2 से इन्फाइनाइट कर दिया, ज़रा सा ऊपर कर दिया, सो वी विल गेट, व्हाट विल गेट इस, अपने को ऊपर सिर्फ 2 सोल्यूशन मिलेंगे, तो दो जगह वो कट कर रहा होगा। सो के ग्रेटर देन 2 पे हमको मिल रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस, वी आर गेटिंग 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस, करेक्ट, के ग्रेटर देन 2 पे। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग देखिए कि अपने फाइनल आंसर्स क्या रिपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, तो 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के लिए क्या बोलोगे आप? आप बोलेंगे 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के लिए के होना चाहिए 0 से 2, ये ए पार्ट का आंसर, ओपन इंटरवल 0 से 2। फिर सेकेंड पार्ट में बोलता है 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, तो 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के आप लोग आंसर क्या दोगे? 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के लिए हम बोलेंगे के शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2। और फिर अगला पार्ट क्या बोल रहा था? 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, और फिर चौथा नो सोल्यूशन। तो 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन के लिए आप लोग बोलेंगे कि के या तो 0 हो जाए या फिर के 2 या 2 से बड़ा हो जाए, सॉरी 2 ने एग्जैक्टली 2 से बड़ा हो जाए, और डी पार्ट में हम लोग बोलेंगे नो सोल्यूशन, तो ये डी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे पार्ट्स के सोल्यूशन दे सकते हो, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, और इस टाइप के प्रॉब्लम आपको और प्रैक्टिस में आएंगे। एंड समझिए कि कैसे हम लोग एक ग्राफ
की मदद से एक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या एक डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर के सवाल भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो ये हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4. ठीक है, अब हम लोग और आगे बात करते हैं. नेक्स्ट और भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन 5th पे हम लोग आते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5th जो होगा वो होगा, 4th था एफ एक्स की जगह मॉड एफ एक्स, तो 5th है एफ एक्स की जगह एफ ऑफ मॉड एक्स. ये वही खेल है कि अब हम आउटपुट पे मॉड ना लेते हुए इनपुट पे मॉड ले रहे हैं. तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में, उसको डिलीट किया जाएगा और राइट एक्सिस वाले का मिरर इमेज ले लिया जाएगा. सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे फोर्थ वाले में क्या था, एक्स एक्सिस के नीचे वाला मिटा दो और उसको कॉपी पेस्ट कर दो. ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला मिटा दो और उसको कॉपी पेस्ट कर दो राइट वाले को लेफ्ट में. सॉरी, ये वो नहीं है. ठीक है, पार्डन, ये जो है कुछ और है जो मैं आगे बताऊंगा. ठीक, मैं उसके साथ मिक्स कर रहा था. सो अभी उस पर मैं बात नहीं करता हूँ, वो आगे आएगा. अपना एक और ट्रांसफॉर्मेशन है जो इससे मेल खाता है. फिलहाल इसका फोर्थ से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम लोग एक दूसरे चीज़ से समझते हैं. हम लोग इसको इवन फंक्शन के लॉजिक से समझते हैं. आइए, तो द पॉइंट इज, लेट से मेरे को ये एग्जाम्पल है, मुझको इसका ग्राफ बनाना है. ठीक, तो आप समझ सकते हो कि सर होना हो इसका स्टार्टिंग फंक्शन तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. इसमें हर जगह x की जगह मॉड x दिया हुआ है, इजंट इट? x की जगह मॉड x रखने पे ये आ जाएगा. तो x की जगह मॉड x रखने का मतलब सोचो, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका ग्राफ हमें पता है कि ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है. इसके रूट्स हैं 1 और 3, मिनिमा आएगा इसका 2 पे. करेक्ट, तो ये ग्राफ 0,3 से पास होता है, इसके रूट्स हैं 1 और 3, और 2 इनपुट डालने पे ये अपना मिनिमम देता है. 2 का स्क्वायर 4, में से 8 गया तो -4 और ये 3, तो ये 2,-1 से पास होगा. नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं x की जगह मॉड x देता हूँ, जैसे सपोज अभी मैंने इसमें -1 डाला, x की वैल्यू -1 डालता हूँ तो कुछ आंसर आएगा. तो मॉड लेने के बाद अगर मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा तो उसको क्या ट्रीट होगा, वो उसको भी 1 की तरह सोचेगा, क्योंकि -1 का मॉड 1 होता है. तो इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है, इसमें नेगेटिव इनपुट दो चाहे पॉजिटिव इनपुट दो, मैग्नीट्यूड ही वो जज करता है. मतलब 3 इनपुट दो चाहे -3 इनपुट दो, वो आउटपुट 3 के हिसाब से देगा. आप इनपुट अल्फा दो चाहे आप इनपुट -अल्फा दो, मॉड लेने के बाद उसको अल्फा ही नज़र आएगा. तो इस वाले फंक्शन में जो पॉजिटिव इनपुट्स पे आंसर्स आते हैं, वही नेगेटिव इनपुट्स के आंसर्स इस पे आएंगे. तो इन शॉर्ट हमें करना ये है कि हम सिंपली ग्राफ का वो वाला पोर्शन जो अपना y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ का पोर्शन है वो इरेज कर देते हैं, वो डिलीट कर देते हैं, और जो राइट वाला पोर्शन है वही कॉपी पेस्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे अगर मैं तो ये ग्राफ अपना बनाए इस चीज़ का, x की जगह मॉड x का, अब जैसे मैं इसमें x की जगह अगर मैं 9 डालूँ चाहे -9 डालूँ, वो मॉड लेने के बाद उसको 9 ही नज़र आएगा. तो ये ग्राफ लेट से 9, बीटा से पास होता है, तो ये ग्राफ -9, बीटा से भी पास होगा. इन शॉर्ट ये एक इवन फंक्शन है, हमेशा इवन फंक्शन आएगा. थिंक अबाउट इट, अगर मैं एक्स की जगह मॉड एक्स रखता हूँ, सो आप ये सोचिए ना, ये फंक्शन चाहे एफ कुछ भी हो, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे मॉड नेगेटिव साइन खा जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे मॉड हट जाएगा. सो अगर मॉड हट जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा, दिस मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन. यही इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा है इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है. तो बिकॉज वी नो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो क्यों ना हम एक्स ग्रेटर देन जीरो अज्यूम करके पहले राइट साइड वाला ग्राफ बना दें, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो पे मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है. तो लॉजिक ये है, आप एक्स ग्रेटर देन जीरो लीजिए, मॉड एक्स को एक्स की तरह सोचिए, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ राइट साइड में है वही उसका कॉपी पेस्ट मिरर इमेज हो जाएगा. समझ में आ रहा है लॉजिक? मैं तो इसको इवन फंक्शन के लॉजिक से कनेक्ट करता हूँ, इट इज़ वेरी इजी टू इंटरप्रेट इट दैट वे. ठीक है, सो ये था अपना ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स. इसी को आप लोग और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिए. जैसे एक इलस्ट्रेशन में और ले लेता हूँ, अपना y इक्वल टू साइन मॉड एक्स. ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ होता है अपने ऐसे वेव्स रहेंगी ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 से 1. सो हम लोग क्या करेंगे, जो y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, अनचेंज लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर देंगे. तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया, और जो राइट में पोर्शन है वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से. सो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड x.
सो फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अब ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ दीज फंक्शंस. ये सारे फंक्शंस के आप लोग ग्राफ प्लॉट कीजिए, इनके डोमेन रेंज भी सोचना ग्राफ से, ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. और लॉजिक यही है कि आप एक्स की जगह मॉड एक्स पहले सोचो और फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं, ठीक. सो मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेवन्थ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग इकट्ठा एक साथ देखते हैं. पहले सिक्स्थ समझते हैं. तो सिक्स्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये होता है एफ एक्स की जगह के एफ एक्स. सिंपली ऐसा समझिए आप कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट्स को इन्हेंस कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं. तो जैसे पहले अगर टू इनपुट पे 10 आउटपुट आता था, तो अब फिर से टू इनपुट पे 10 आउटपुट इन टू के आएगा, मतलब के टाइम्स आउटपुट बढ़ जाएगा. तो अगर आउटपुट जीरो आता तो जीरो में आप कोई भी के मल्टीप्लाई कर दो, आउटपुट जीरो ही रहेगा, ठीक है. तो जीरो आउटपुट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ. इसमें हम करते ही हैं कीपिंग द एक्स इंटरसेप्ट्स फिक्स्ड, दैट इज जहाँ पे अपना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है आप उसको फिक्स रख लो, आप उसको चेंज मत करो, रूट्स को वहीं रहने दो. उसको फिक्स करते हुए आप ग्राफ को स्ट्रेच कर देंगे अगर के वन से बड़ा है, और आप कंप्रेस कर देंगे अगर के वन से छोटा है. आइए एग्जांपल से समझते हैं ये क्या लॉजिक है. तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाई इक्वल टू 4 sin x का और एक वाई इक्वल टू साइन एक्स बाय 4 का. सो द लॉजिक इज साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करेगा. तो ये साइन एक्स है, अगर मुझे 4 sin x चाहिए तो सोचो साइन एक्स में क्या था, साइन एक्स में जीरो इनपुट पे जीरो आउटपुट, पाई बाय टू पे वन, पाई पे जीरो, 3π/2 पे माइनस वन और 2π पे वन. अब क्योंकि मैं साइन एक्स नहीं, अब मैं अगर 4 sin x की बात करता हूँ तो वही सेम इनपुट्स पे 0π/2, पाई, 3π/2 और 2π पे सेम इनपुट्स पे आउटपुट्स 4 times हो जाएंगे. मतलब जीरो आउटपुट तो जीरो ही रहेगा, बट ये जो वन है ये 4 times ऑफ वन हो जाएगा. मतलब इसमें x की जगह π/2 डालने पे y की वैल्यू अब वन नहीं, अब y की वैल्यू 4 हो जाएगी. और सिमिलरली ये माइनस वन नहीं, ये माइनस 4 हो जाएगी. तो इन शॉर्ट जो अपना 4 sin x का ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ अब कुछ ज़्यादा लंबा या स्ट्रेच लगेगा. सो वी विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ये आपका 4 sin x का ग्राफ होगा, इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक. एंड इफ यू आर गेटिंग माई लॉजिक, मतलब ये अब हो जाएगा π/2, 4, जो पहले π/2, 1 हुआ करता था. सो सेम लॉजिक से अगर आप समझ रहे हो, तो अगर k 1 से छोटा है, अगर sin x by 4 की बात कर रहे हैं हम, तो अगर ये पुराना sin x था तो sin x by 4 अब कंप्रेस हो जाएगा, नीचे से जाएगा. मतलब ये π/2, 1 है अगर, तो अब π/2, 1/4 हो जाएगा. तो उतने अमाउंट से वो श्रिंक हो जाएगा. तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेच्ड वर्टिकली या कंप्रेस्ड वर्टिकली. सो ऐसे ही एक और एग्जांपल, 3 fractional part of x. सो 3 fractional part of x और इसको आप समझिए सेम लॉजिक से, ठीक है. ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाने की कोशिश करना. स्ट्रेच का मतलब बेसिकली होता है आप उसको वर्टिकली खींच रहे हो, ऊपर वाला और ऊपर जा रहा है, नीचे वाला और नीचे जा रहा है, बट रूट्स चेंज नहीं हो रहे हैं. और सेम y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स, एक्स की जगह के एक्स, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी से समझिए. फिजिक्स में पढ़ते थे ना साइन ओमेगा टी, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैं तो उसको ऐसे ही समझता हूँ, इसलिए मैंने 2 examples भी ऐसे ले रखे हैं. सो इसमें हम लोग x इंटरसेप्ट को फिक्स करते थे और ग्राफ को वर्टिकली खींचते थे, इसमें हम लोग y इंटरसेप्ट को फिक्स करेंगे और ग्राफ को हॉरिजॉन्टली खींचेंगे या स्ट्रेच करेंगे. सेम लॉजिक, k ग्रेटर देन k लेस देन. आइए समझते हैं साइन 2x और साइन x बाय 2 से. तो साइन x का पीरियड क्या होता है, ये आपका साइन x का ग्राफ है. तो साइन एक्स के ग्राफ में ये 0 से 2π में ऐसा आपने एक पीरियड में ग्राफ बना लिया. तो अब सपोज साइन एक्स की जगह ये होता है sin 2x. तो sin 2x पे सोचो क्या हुआ, sin 2x पे हमने क्या किया, ओमेगा एक्स, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी. तो हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, पहले यहाँ 1 लिखा था, अब हमने 2 कर दिया. फ्रीक्वेंसी डबल कर दी मतलब टाइम पीरियड आधा हो गया. टाइम पीरियड आधा हो गया मतलब पता है क्या, अब ये उतने ही देर में जैसा पहले चल रहा था ना, उतने ही देर में अब ये, जैसे सपोज ये पुराना ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये पाई पे 0 आउटपुट दे रहा था, पाई बाय 2 पे 1. अब इसमें अगर आप पाई बाय 2 डालोगे ना, तो ये पाई बन जाएगा. सो दिस मींस अब नया वाला ग्राफ ऐसा होगा ये, फिर यहाँ से वापस समथिंग लाइक दिस. मतलब y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स 0 से 2π में एक अपना पीरियड कवर कर रहा था,
पर अब जो ये साइन टू एक्स है ये अपने दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। अब वेव्स पढ़ाए आपने फिजिक्स में, आप उससे कनेक्ट कीजिए, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कीजिए, ठीक। सो द कंप्लीट लॉजिक या कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कि ये पुराना वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, सपोज ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ऐसा, तो जो नया ग्राफ होगा वो ऐसे श्रिंक हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, और इधर से भी श्रिंक हो जाएगा ऐसे। जितना मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, उतना टाइम पीरियड कम हो जाएगा। वाइस वर्सा जितना मैं फ्रीक्वेंसी कम करूंगा उतना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स बाय टू पे क्या हुआ होगा, सोचो साइन एक्स बाय टू पे थोड़ी वैल्यूज डाल के देखो ना, पाई बाय टू डालो, पाई डालो, थ्री पाई बाय टू डालो, टू पाई डालो, थोड़े इनपुट आउटपुट डाल के आप चेक करो, तो आपको फील आएगी कि क्या चल रहा है। तो सपोज़ ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या था, जीरो से टू पाई में उसने पूरा इंटरवल ले लिया। अब साइन एक्स बाय टू पता है क्या होगा, वो जीरो से टू पाई में तो अपना एक अपर वाला साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर अगले टू पाई से फोर पाई में वो नीचे वाला करेगा। तो ये वेव्स बड़ी बड़ी हैं, स्ट्रेस्ड हो गई हैं इस तरीके से। सो बेसिकली आपने पीरियोडिक फंक्शंस भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपने टाइम पीरियड निकालो, आप इसका टाइम पीरियड निकालो, इसका टाइम पीरियड निकालो, आपको सब समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको समझा पीरियोडिक फंक्शन से रहा हूँ, पर इसका पीरियोडिसिटी से कुछ खास लेना देना नहीं है। जैसे ये जो है इनके ग्राफ्स भी आप बनाइए, अब जैसे ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है बॉक्स एक्स, ठीक है, बट द लॉजिक विल स्टिल वर्क। तो आप उसको यही लॉजिक लगा के चलो कि जैसे जो अपना नॉर्मल था फ्रैक्शनल एक्स वो वन वन पे रिपीट हो रहा था, तो थ्री एक्स जो है फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम्स हो गई, एक्स की जगह ओमेगा एक्स, एक्स की जगह ओमेगा एक्स, वेयर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। तो जो भी अपना फ्रीक्वेंसी अगर लेट से वन से बड़ा है, अगर के अपना ओमेगा वन से बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब टाइम पीरियड कम होगा, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, ठीक। और इसी पे हम लोग बेस्ड ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 5 साइन पाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक तो हम लोग साइन पाई एक्स का ग्राफ बना लेते हैं और एक हम लोग एक्स अपॉन फाइव का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, और साथ में बनाएंगे। तो वाई इक्वल टू एल एच एस लेंगे हम साइन पाई एक्स, और वाई इक्वल टू आर एच एस लेंगे हम साइन सॉरी एक्स बाय फाइव। तो साइन पाई एक्स कैसा बनेगा, सोचो y इक्वल टू एल एच एस, साइन पाई एक्स का मतलब होगा कुछ इस टाइप से ग्राफ, ठीक। आई थिंक विल नीड मोर स्पेस, तो हम लोग थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको। सो ऐसा कुछ होगा, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। ये है 0, ये है 0, ये 1 इनपुट, ये 2 इनपुट, 3, 4, 5। अच्छा, y इक्वल टू साइन पाई एक्स, इसका टाइम पीरियड कितना है, पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े ना आपने, इसका पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है पाई, तो इसका पीरियड है 2, ठीक है, इसका पीरियोडिसिटी 2 है। तो ये 2 में रिपीट हो रहा है, तो ये 0 से 2 में, ये अपना 0 से 2 में एक लिया, 2 से 4 में दूसरा लिया, 4 से 6 में तीसरा लिया, इस तरीके से, करेक्ट। सो ये अपना क्या कहते हैं, साइन पाई एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। पीछे भी बना लेते हैं, तो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ऐसे चलता जाएगा, ये माइनस सिक्स, माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स। अब ये जो अपना दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू आर एच एस, वो है x अपॉन फाइव। तो x अपॉन फाइव का मतलब क्या, अब देखो ये माइनस वन से वन के बाहर निकल नहीं रहा है, तो सोचो ये माइनस वन से वन कब कब रहेगा। तो x अपॉन फाइव मतलब ये जो y है ये माइनस वन से वन तब रहेगा, ये माइनस वन से वन तब रहेगा जब x माइनस पाँच से पाँच रहा होगा, ठीक। ये माइनस वन से वन कब रहेगा, जब x माइनस फाइव से फाइव रहेगा। तो क्यों ना हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं माइनस फाइव से फाइव के बीच में। तो माइनस फाइव से फाइव के बीच में ओरिजिन से पास होने वाली लाइन एक ऐसी लाइन होगी, ठीक। लेट अस चेंज द कलर, तो ये ऐसी कुछ लाइन होगी। यहाँ इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ 5, 1 से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है, और माइनस 5, माइनस 1 से पास हो रहा है। मैंने तीन पॉइंट्स ले लिए हैं इस पे, एक x की वैल्यू मैंने ली है माइनस 5, एक ली है 0, एक है 5, इन पे काम के आउटपुट्स आ रहे हैं। तो इन आउटपुट्स पे ग्राफ के पॉइंट्स हमने देख लिए और हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली कुछ इस तरीके से, ऐसे लाइन रहेगी, एक मैं रफ सी लाइन बना रहा हूँ, ऐसा कुछ लाइन रहेगी। तो अब सोचो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ कट करती होगी, इसके कटिंग पॉइंट्स ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो ये एक सॉल्यूशन, ये दो जगह काटा, ये तीसरा, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ,
10th and 11th. So these two graphs are cutting at 11 points. So we will have 11 solutions for the two graphs. Please understand the question. ये बहुत important profile है और बड़ा interesting सा sort of problem है. अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए tricky हो जाए. ठीक है. So ये था अपना ये वाला question. क्या कहते हैं ये number of solutions वाला. So this was 7th profile. And the 8th profile, the last profile is mod y equal to fx. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला resulting graph is not a function. क्यों, समझिए. Graph of fx below x-axis is deleted and the graph above x-axis is mirror image. जो मैं पुराना बोल रहा था ना, y equal to fx की जगह y equal to mod fx. इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग y-axis के left वाला delete कर रहे थे और right वाला copy paste कर रहे थे. इसमें हम लोग x-axis के नीचे वाला delete करेंगे और ऊपर वाला copy paste करेंगे. Reason being, जो काम पहले x में हो रहा था अब वो y में हो रहा है. Example से समझते हैं, आइए. पहला example है mod y is equal to sin x. So mod y equal to sin x का मतलब ये होगा. अब सोचो, देखो mod y जो है वो हमेशा positive ही होता है, negative तो होता नहीं है. इसका मतलब mod y sin x के बराबर है, तो sin x भी positive ही रहना चाहिए, कभी negative नहीं होना चाहिए. अगर sin x negative हो गया तो y कभी भी ऐसा सेट नहीं कर पाएंगे हम जिस पे mod y और sin x इक्वेट हो पाए. तो इसीलिए ग्राफ जो है, जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है ना, वो ग्राफ हम ले ही नहीं सकते, हमें ग्राफ ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा. और ऊपर वाला जो ग्राफ ले रहे हैं हम, लेट से मैं sin x की बात करता हूँ, तो डोमेन वाला चीज जैसे हम बोलते हैं, तो sin x में सिर्फ जो ऊपर पार्ट है उसको मैं रिटेन कर रहा हूँ, नीचे वाले को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ. ठीक. नाउ द पॉइंट इज, थोड़ा वैल्यू पुटिंग से समझें. तो जैसे ये पाई बाय 2,1 है, पाई बाय 2,1 का मतलब इसमें x की वैल्यू पाई बाय 2 पे y 1 आएगा. बट अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय 2 डालता हूँ तो ये लिखा है साइन पाई बाय 2 दैट इज 1. और मॉड y इक्वल टू 1 के दो सॉल्यूशंस होते हैं, न केवल 1, y माइनस 1 भी तो हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट भी आना चाहिए था. तो इन शॉर्ट ये नीचे वाले भी पॉइंट जो रहेंगे वो आएंगे. तो इस तरीके से ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जाता है. यहाँ रूल जो है वो ये है, एक्स एक्सिस के नीचे का भाग डिलीट करके ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर लो. ठीक है. जैसे हमने पिछले किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि y एक्सिस के लेफ्ट वाला डिलीट करो, राइट वाला चिपका दो, इसमें x एक्सिस के नीचे वाला डिलीट करो और ऊपर वाला चिपका दो. नाउ द पॉइंट इज, रिजल्टिंग ग्राफ फंक्शन नहीं होगा क्योंकि पाई बाय 2 इनपुट पे 1 आउटपुट भी है, माइनस 1 आउटपुट भी. इनफैक्ट बहुत सा बार ऐसा होगा कि अपने को एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स मिल जाएंगे. ठीक है. वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने बात की थी, इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज दिस थिंग. ये आपका 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी आ गया था. आप इसमें केसेस भी बना सकते हो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0. आप ऐसे चार केस बना के चार स्ट्रेट लाइन्स प्लॉट कर सकते हैं और फिर उस पर उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, एक ऐसी आएगी, एक ऐसी आएगी और एक ऐसी आएगी. चारों के केसेस कॉमन केसेस ये निकल के आते हैं. तो ये इक्वेशन ऑफ स्क्वायर है. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई. स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 स्क्वायर की इक्वेशन होती है. ठीक. बट मैं इसको डिराइव करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिराइव दिस रिजल्ट. तो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक फंक्शन से. लेट से अपना फंक्शन, स्टार्टिंग फंक्शन है वाई इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स. इसका ग्राफ बना सकते हो, हमने ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े. फर्स्ट वी विल प्लॉट मॉड एक्स, फिर हम लोग मॉड एक्स की मदद से क्या करेंगे, माइनस मॉड एक्स बनाएंगे. तो माइनस मॉड एक्स कैसा होता है, ये फ्लिप हो गया. फिर माइनस मॉड एक्स को एक कदम बढ़ा देंगे, तो माइनस मॉड एक्स को एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका ग्राफ. ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का है. अब इसी में अगर हमको वाई की जगह मॉड वाई, इसको इससे कनेक्ट करो, वाई की जगह मॉड वाई लेना है. सो व्हाट वी विल डू इज, हम एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन डिलीट करेंगे, ऊपर वाला रिटेन करेंगे और कॉपी पेस्ट चिपका देंगे. समझ में आया कैसे यहाँ तक पहुँचे हम रिजल्ट पे. ठीक. आई एम रिपीटिंग, हमने मॉड एक्स बनाया, हमने पहले मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, फिर हमने माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, फिर हमने माइनस मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाया और फाइनली हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, वाई की जगह मॉड वाई. ठीक. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. और जो थर्ड एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रहेगा. प्लीज़ ट्राई इट कि इसका ग्राफ कैसे बनता होगा. ठीक. मैं अगर इसमें देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते होंगे, 1 और 3 से पास होने वाला, फिर हम लोग x की जगह मॉड x, फिर हम लोग ये लगा लेते हैं एक, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा वाला, फिर x की जगह मॉड x होने की वजह से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा रहेगा और इसी को कॉपी पेस्ट. तो बेटा मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, होमवर्क रहेगा. इसका फुल एंड फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखता होगा.
समथिंग लाइक दिस, ये आया, ये ऐसा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में. फाइनल आंसर फॉर दिस इज समथिंग लाइक दिस. वेरीफाई योर आंसर्स. समथिंग लाइक दिस विल बी द फाइनल आंसर. और यही पूरा नीचे ऐसे 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 एक रफ सा पैटर्न बता रहा हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है. सो वेरीफाई योर आंसर्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स. तो इस तरीके से हम लोग एफएक्स के ग्राफ की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं. हमने 8 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं. प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखिए और कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखना इस वीडियो को, और फिर आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे. ओके.